कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगद है ठोठ, ये मारे कोना काम के, इनके दे गड़जोट। तो वो हम ठोठ थे, रह गया डे, नहीं पार हुए, पर दयालु थे, इसमें भी हमारा भला कर गए कि हमें कुछ जन्म अभी तक मनुष्य के मिल गए। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, स्त्री या पुरुष का। एक तो ऐसे होता जो टर्न वाइज, एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में अपने कर्म आधार पर कष्ट भोग कर फिर उन प्राणियों से आकर मनुष्य शरीर एक टर्न वाइज या नंबर वाइज मिलता है, वो विधान है प्रभु का उस विधान अनुसार। और दूसरा मनुष्य जन्म मिलता है पिछले जन्म भक्ति के आधार से। तो जिन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर भक्ति के आधार से प्राप्त है, वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकते। उन्होंने मार्ग कुछ भी मिला हुआ है, चाहे गलत है चाहे कैसा भी है, वो अवश्य भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो रुक नहीं सकते, उनके स्वभाव में समावेश है। और जो कहने से भी नहीं मानते, कति अनाड़ी हैं, वह मनुष्य जीन जूनी से नहीं आए हैं, वो कोई पशु जूनी से, कोई पक्षी जूनी से, कोई वृक्ष जड़ जूनी से आए हुए प्राणी। तो आप जो तुरंत भगवान की महिमा से परिचित हो रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आ रहे हो, या कहीं दूसरे संतों को पूर्ण संत मान के वहां चपकी बोली आत्मा, ये सारी कबीर परमात्मा की कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हुए हैं। तो इस कारण से आपको चार्ज कर गया परमात्मा 64 लाख को केवीए भक्ति युग तक, और डले डोलेंगे, मनुष्य जीवन मिलता रहेगा, फिर हम आएंगे या ये दास भेज दिया तो ये जल्दी समझ जाएंगे, और ये मनुष्य जीवन से निकली हुई प्राणी तुरंत मान जाएंगे मेरी बात को, अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके सतलोक ले चलूंगा। परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं और इनको बैटरी, इनकी बैटरी चार्ज कर जाऊं, इनको रिचार्ज कर दूं, ये फिर भक्ति चाहते रहे। अब सतयुग से लेकर आज तक आपकी बैटरी ही चार्ज हुई, आप पार नहीं हुए। अब आपको बैटरी आपकी कंप्लीट कर देगा परमात्मा, और साथ में जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उठा ले जाता है काम लेने के लिए, तो ऐसे आपको सतलोक ले चलेगा जब आपकी पूरा भक्ति हो जाएगी। यही वेद प्रमाण कर रहे हैं और परमात्मा भी यही कह रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती वर्ष है ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित संत, उन्होंने भी आवाजें लगाई, अपनी वाणी बोली, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय गीसा दास साहिब जी ने, इन्होंने भी कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ कही है। और कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज देकर रुक के मार मार कर हेला दे देकर आवाज लगाई, ये सत्य तत्व ज्ञान बरसाया कहा, और हीरे माणक मोती वर्षे, ये हीरे मोतियों की वर्षा, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती की वर्षा हम कर रहे हैं, और ये जग चुगता ढेल रे, ये फिर भी डले ढो है, आन उपासना रूपी ये डले ढो रहा है, गलत साधना करने में ही ये लगा हुआ है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल।
कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोजता फिरता हूं, वह कितना भी पा जाओ मैंने वहीं से ढूंढ लाऊंगा, चाहे वो किसी मजहब में है, किसी जाति में है, मेरी पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे उनको ढूंढ कर लाऊंगा। एक दिल्ली के अंदर सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कौन होते हैं? पहले गांव गांव में जाकर के बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाया करते थे, मनियार बोलते थे उनको। कांच की चूड़ियां होती थी और दोनों पति पत्नी यही कार्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था नेक सेऊ, शिव था उसका नाम, वैसे सेऊ कहा करते थे। अब उस सम्मन और सेऊ और नेकी उनकी पत्नी थी, सम्मन की, सेऊ उनका पुत्र था। इन तीनों प्राणियों ने परमात्मा का नाम ले लिया था। एक समय परमात्मा कबीर जी शेख फरीद और कमाल जी को साथ लेकर के और सम्मन के घर पहुंच गए। अब जैसे हमने कथा सुनी थी श्री कृष्ण और अर्जुन की, अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा, मेरे जैसा तेरा साथी सेवक कृष्ण जी और नहीं हो सकता। अब कृष्ण जी ने उसका भ्रम तोड़ना था कि अर्जुन तेरा नंबर तो बहुत दूर है, सेवका मत है, तो मोर ध्वज राजा के घर चले गए थे और वहां जाकर के मोर ध्वज राजा ने अनुष्ठान किया हुआ था कि अपने पुत्र तामर ध्वज को राज तिलक कर दूं और मैं संन्यास ले लूं राजतः। तो उस अनुष्ठान के दौरान कोई भी साधु संत आ जावे, जो भी डिमांड करे वो मना नहीं कर सकता, मना करे तो उसको श्राप का डर रहता है और उसका अनुष्ठान खंडित हो सकता है। तो कृष्ण जी और अर्जुन दोनों एक साधु रूप बनाया, दोनों ने साधु संत रूप बना के और एक माया का शेर बना लिया। तो वहां जाकर के राजा से कहा मोर ध्वज से कि हमें आहार कराओ। राजा ने कहा ठीक है महाराज। तो श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा कि पहले हमारे सिंह को आहार कराओ। जो आज्ञा महाराज, कि और सुन ले ये शेर मांस खाता है। जो आज्ञा महाराज, और सुन ले ये मनुष्य का मांस खाता है, पशु पक्षी का नहीं। तो उसने कहा जो आज्ञा, आप आज्ञा, आदेश तो वही होगा। और सुन, ये किसी अन्य पल्लेदार का मांस नहीं खाएगा, कदे को पल्लेदार पकड़ लिया और मार दो, तुम्हारे तीनों प्राणियों में से एक का मांस खाएगा। तो कहने लगा जो आज्ञा महाराज। अब ज्यादा ना विस्तार करके कहते हैं कि उस लड़के कहा कि तुम दोनों अपने पुत्र इस्तामर ध्वज को चीर के मेरे शेर के सामने डाल दो। ऐसा ही कर दिया गया और श्री कृष्ण जी ने फिर उसे जीवित भी कर दिया। अब ये लीला हम बार बार सुना करते थे, जिस आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया, इसके पैरेलल लीला मालिक की आपको सुनाता है दास। तो अर्जुन को ये, अर्जुन का काल धड़क धड़क रहे और कृष्ण जी बोले देख ले भाई, तू क्या था, मैं सेवक हूं, सेवका के घर तो बहुत दूर है भाई। इसी प्रकार कमाल एक लड़का 13 साल की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उनके कबीले वालों ने, उनके परिवार वालों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना जलाते हैं ना जमीन में गाड़ते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं सब को अपने परंपरा से, सारे इकट्ठे होकर एक फूस का एक बंडल सा बनाते हैं जो फ्लोटिंग होता है, तैरता है, उसके ऊपर उस लाश को, सब को रख देते हैं और उसको कपड़ा डाल के उसके प्रवाह कर, जल प्रवाह कर देते हैं।
तो वो जल प्रवाह किया हुआ लड़का बहता हुआ दरिया में आ रहा था। सिकंदर लोदी दिल्ली के सम्राट का एक शेख तकी नाम का पीर था गुरु, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए, उसके जिद को पूरा करने के लिए परमात्मा ने उस मृत बालक को जीवित किया था। और सबने कहा था कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख लिया था। अपने साथ बालक के रूप में रखा था, वो शिष हो गया और कमाल को ये भ्रम हो गया। बीच बीच में संगत में कहने लग गया था कि मेरे जैसी सेवा गुरु जी की कोई नहीं कर सकता। परमात्मा अंतर्यामी थे, उनने भी उस कमाल की फड़क निकालनी थी। अक बेटा सेवकों के घर बहुत दूर है, सेवा करने वाले, ये दिखाने के लिए वो शेख फरीद जो कुएं में 12 वर्ष तक उल्टा लटका था और परमात्मा ने उसके भ्रम निवारण किया था, बोले आदमी कुएं में उल्टा लटक रहा है, अन्य का भगवान में देखूंगा, और कह रहा है भगवान निराकार है, फिर देखेगा क्या। इसी बात से वो शेख फरीद का सारा भ्रम निवारण हो गया था। अरे तेरा गजब भैयो, सचमुच हम कर के रहे हैं, कह क्या रहे हैं। तो वो शेख फरीद भी परमात्मा के साथ रहे शिष्य बनकर, और कमाल भी शिष्य बनकर और पुत्र रूप में, उन दोनों को साथ लेकर सम्मन नामक मनियार अपने शिष्य के घर पहुंच गए। और कुछ समय पहले वो परिवार के जन यही प्रार्थना हो रही थी कि भगवान कदे हमारे घर पर भी आ जाएंगे हमारे गुरुजी। वो सेव कह रहा था रह रह के, हमारे गुरुजी अपने घर आ जाए तो आनंद हो जा। परमात्मा अंतर्यामी होते हैं, उनकी वह तमन्ना पूरी करनी थी, वह प्रकट हो गए, पहुंच गए इन्हें लेकर। अब सम्मन मनियार भगत चूड़ी थोड़ी बेचा करता, परमात्मा की लीला गणी बताया करते दोनों पति पत्नी। जैसे कहीं चूड़ी पर अण चले गए गांव में किसी बहन बेटिया ने, और वहां बैठ के चर्चा शुरू कर देते थे भगवान की, हमारे गुरु जी ऐसे है, हमारे गुरु जी ने एक लड़का जीवित कर दिया, हमारे गुरु जी ने एक गाय मरी हुई जीवित कर दी, सिकंदर लोदी का ना जलन का रोग कितना ठीक नहीं होता, हमारे गुरु जी ने ठीक कर दिया, है बड़े बड़े लोग धनी हो गए। अब वो जो बैठ जाते तो सारा दिन मनमाने एक दो घर में जाते, बाकी सारा दिन कथा सुनाए जाते दोनों। वो और भी कम और कंगाल हो गए, थोड़े वित्तीय हालत कमजोर होगी, उस ऐसी स्थिति आ गई कई बार खाने को भी अन्न नहीं होता था। परमात्मा पहुंचे तीन दोनों भक्तों को लेकर के, अपने सम्मन ने कहा अपनी पत्नी नेकी से कि सदगुरुओं के लिए भोजन तैयार करो। दोपहर बाद का समय था, 4-5 बजे का 6 बजे का, गर्मियों के दिन थे। अब वो नेकी बोली घर में एक भी दाना कोई ना, आज तो आटा भी नहीं है। सम्मन कहने लगा जाओ मांग लिया किसी पड़ोसन से, किसी पड़ोसी अड़ोसी से मांग लाओ गुआंडी से। वह नेकी कहने लगी मैं सदगुरु के आते ही गई थी जहां मुझे आशा थी, आज वो कोई भी उधारा नहीं दे रहा है, और मजाक कर रहे हैं, टोंट कस रहे हैं कि आज तुमने के जरूरत है आटा मांगण की, तेरे गुरुजी आ रहे हैं वैसे तेरे घर भर देंगे। वो टोंट कस रहे हैं इस उद्देश्य से ना दे रहे कि रोज गुण गाया करते हमारे गुरुजी न्यू कर दे, हमारे गुरुजी न्यू कर दे। अब वो इस उद्देश्य से अन्न नहीं दे रहे हैं, आटा नहीं दे रहे हैं कि आज इनकी बिरान में टी ओलन दो, ये नो कह देवता भी पूजने छोड़ दिए, हमने नो भी छोड़ दिए, आज पता लगेगा इन्हें। तो सम्मन कहने लगा ला तेरा चीर तेरी या चूंदड़ी इसको कहीं गिरवी रखाता हूं। वो नेकी कहने लगी उसकी पत्नी कि मैं एक ही मेरे पास चीर है चूंदड़ी है, इसको लेकर गई थी, कोई इसको गिरवी भी नहीं रख रहा है क्योंकि ये फट चुकी है। अब सम्मन तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया, ये भगवान मैं किसा नीच व्यक्ति, आज पहली बार मेरे घर पर भगवान मेरे गुरुदेव आए हैं और आज मैं इनको आहार नहीं करवा सकता, मैं किसा दुष्ट हूं, किसी जन्म में मैंने कोई पुण्य किया नहीं, कैसा पापी प्राणी हूं, कैसा अपराधी हूं, बहुत चिंतित हो गया। अब नेकी कहने लगी आप ऐसा करो
चिंता मत करो, कुछ विकल्प और निकाल लो इसका। नेकी ने उनकी पत्नी ने कहा कि आप रात्रि में पिता और पुत्र दोनों जाकर चोरी कर जाओ और केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं चोरी करना। अब सम्मन वो छेव जो बेटा था शिव, वो प्रतिदिन परमात्मा की महिमा सुनता था, ज्ञान सुनता था, माता पिता से भी सुनता था, तो वो कहने लगा माता जी चोरी करना तो पाप होता है। अब नेकी कहने लगी बेटा चोरी को दान कर दे, उसमें पाप नहीं लगता। तो समन कह शिव बोला माँ चोरी मन में खोटाए बिना वो नहीं, और खोटल आदमी भक्ति नहीं कर सकता, मैं आपकी यह बात कैसे स्वीकार करूं। कल तक तो आप मुझे शिक्षा दिया करते बेटा चोरी मत करना चोरी मत करना, आप खुद सलाह दे रहे हो। तब नेकी बोली बेटा बात तेरी सारी सच्ची है, परंतु बात सुन जानते हैं, ये नगर के लोग घने धनी हैं और धनी आदमी भगवान से दूर होया करे, ये परमात्मा से दूर हो गए हैं, और ये आज कति आखिर आली है। नेकी ने कहा कि आज इस नगरी का अंत आ लिया बेटा, अब इस नगरी में ये नहीं समझते परमात्मा आए हैं, और ये भूखे चले गए बेटा इस नगरी का नाश हो जाएगा। पूरी कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही एक साधु संत और उसका चेला आ गया था, नगर वालों ने उनको आटा नहीं दिया था, हैं उस तो वो नगर उस गुरु ने उस सिद्ध ने उस पूरे नगर का नाश कर दिया था। एक लड़की बची थी जो कुम्हार के घर की थी, जिसने ये कहकर आटा दे दिया था कि महाराज मैं छोटी जाति की हूं, मजबूत से तुम्हारा दुख देखा नहीं जा सकता, और ये आटा ले जाओ तुम्हारे भोजन ले जाओ, तुम्हारे गुरुजी कहें तो खा लियो। तो उस संत ने उस सिद्ध पुरुष ने कह दिया था कि जा बेटा, उस बेटी ने कह दे नगरी त्याग कर चली जा, और जहां श्याम हो जा वहीं रुक जा, वहीं पर तेरा गांव बस जाएगा, तेरा वहीं वास हो जाएगा, या नगरी नहीं रहेगी रात के 12 बजे पाछे, तो नगरी बेटा नष्ट होगी थी इन्हीं बकवादियों के कारण, और हमने इनका अन्न खा रखा बेटा, इस नगरी को बचाना पड़ेगा चाहे किसी कीमत पर भी। यह बात फिर सेव का समझ में आ गई, माँ आप ठीक कहते हो, हम अवश्य चोरी करके लाएंगे बेटा, हम नहीं खाएंगे गुरुजी को खिलाएंगे संतों को खिलाएंगे, ये चोरी नहीं होगी। अब दोनों पिता पुत्र सम्मन और सेवू रात्रि में चोरी के लिए चल पड़े 12 बजे से, और उधर से संतों से प्रार्थना कर ली सतगुरु सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। संत समझ जाते हैं संकेत को, कहने लगे बेटा बहुत अच्छा, अब तो भूख सी मर गई, अब भूख नहीं रही हमारे को, जल पी लिया, सुबह देख लेंगे आहार का। तो क्या हुआ कि दोनों पिता पुत्र ने जाकर एक सेठ के घर में दुकान में एक सुराख कर लिया, अंदर प्रवेश लेट का प्रवेश होने का, जिसने पाड़ बोल रहे पाड़ लगाना सेंध लगाना, वह सेंध लगा ली, और सम्मन ने कहा बेटा मैं अंदर जाऊंगा और सेवू तू बाहर खड़ा हो जाना, और 3 शेर आटा लेकर आऊंगा, उसको अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो पोटली बांध लूंगा चादर में कपड़े में और उसको फेंक दूंगा बाहर, तू लेकर भाग जाइए। तो सेवू कहने लगा पिताजी नहीं, मैं इस सुराख में अंदर में जाऊंगा चोरी करने, आप बड़े हो मैं बालक हूं, यदि मैं पकड़ा भी गया तो मुझे छोड़ देंगे बालक जान के, और पिताजी ये राजा इस सेठ का राजा तक पहुंचा है और ये बहुत भयंकर सजा देता है, सजाए मौत भी दे देता है। तो समन कहने लगा बेटा तू इकलौता पुत्र मेरा, अगर तू पकड़ा गया तुझे सजा मौत दे देंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा चोरी करने, बेटा तू मत जा। शिव बोला नहीं पिताजी मैं जाता हूं और बालक की तो माफी हो जाती है। यूं कहकर वो प्रवेश कर गया घर में, बढ़ गया चोरी करने के लिए बढ़ गया बेटा, और पिता ने कहा बेटा 3 शेर से ज्यादा मत लाना। लड़के ने जाकर आटा ढूंढा देरे में,
और फिर वो अंदाजा सा तीन शेर गाल लिया और एक फटी पुरानी जो चादर थी उसमें बांध ली गठड़ी पोटली सी। उनको पता था चोरी के हिसाब से वे भागना भी पड़ गया। तो जो ही वो निकलने लगा तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस तखड़ी पर पैर टिक गया। वो ऐसी उछड़ के दोबारा उसी दूसरे तखड़ी के तराजू के पलड़े पा के गिरी। खड़ाक देसी आवाज आई, बणिया उठ लिया, सेठ उठा, चोर चोर चोर। वो भागने लगा, उस सुराख में गए, पैर पकड़ के खींच लिया वो अंदर और एक रस्से गे लिया और थांब के बांध दिया। उसी दौरान सेऊ ने वो पोटली जो आटा था बांध रखा था वह पोटली बाहर फेंक दी और कहा, पिताजी लेकर बाज जाओ, भाग जाओ, मेरे को तो बनिया ने पकड़ लिया। अब सम्मन लेकर वो आटा घर पे आ गया और उधर से सेठ ने पहचान लिया, अरे तुम है भगत बने फिरो थे, पाटगी पोल थरी पाटगी ने है क्या 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 खतर चोरी करी। उन्हें बता दिया, जी हम नहीं खावा, हमारे गुरु जी आ रहे थे आज तीन दिने भगत भी, और उनके लिए भोजन चाहिए था, हमारे था कोई ना, किसी ने उधारा भी ना दिया हमारे थी, हम तो उधारा मांगा थे। अच्छा थारे गुरु जी आ रहे हैं, अच्छा वो गुरु जी वो हमें चोरी कराने, तड़के देखिए राजा थी बतावांगे, सारे जुलूस काट देंगे थरे गुरु जी का। अब वो लड़का और चिंतित हो गया, अकिया तो बनी सो बनी और गुरु जी की बेइज्जती और करेंगे इन कम्मे। उधर वो सम्मन लेकर गया आटे को, अकेले नेकी रोटी पोले। अब नेकी बोली कि बेटा कहाँ है, अब बेटा बनी ने पकड़ दिया। अब वो ही धारणा उसके मन में गई, पुण्यात्मा उसकी पत्नी नेकी कह कि तो बात बिगड़ेगी, लड़के ने पहचानेंगे और पहचान के ये फिर नो कहेंगे ये आ रे चोरी करवाने, ये गुरु जी चोरी करवाने आते, इन्हें पहले चोरी नहीं करी कभी भी ये, तो गुरु जी को अपने भगवान को ये दुखी करेंगे, सजा दिवाएंगे हैं। इसलिए अपनी अपने पति से बोली कि वापस चला जा, सारी कहानी समझा दी उसने जल्दी जल्दी में, और लड़के का सिर काट लिया ताकि पहचान ना सके। वह न सोचे थी कि पहचान मावे इतना जल्दी, और दूसरा ये उद्देश्य था कि छोरे का सिर कट गया तो लाला जी घर रखे नहीं, फिर उसके लाश ने उसका मर्डर शर लग गए, वो कि तौर पिटकेगा उसने फिर ठा लेंगे शेष बचे हुए शरीर को। ऐसा ही हुआ। अब हाथ में कर्द लेकर तेज चक्कू लेकर के वो सम्मन वापस चल पड़ा बेटे का सिर काटने के लिए। वहां जाकर आवाज लगाई उस सुराख में, बेटा सेऊ एक बार दो बात करनी है तेरे कान में, एक गुप्त बात बतलानी है, सिर बार निकाल ले। अब लाला जी से सम्मन सेऊ ने कहा बेटे ने कि लाला जी बार मेरे पिताजी खड़े हैं, दो बात करन की कह रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं बतला दू बात कर लू। सेठ बोला भाग जाओगे, सारी जानू मत नहीं। अक नहीं सेठ जी, ढीला कर दे इस रस्से को, खोलिए मतना, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बार निकाल के पिताजी के कान में बात बता दू। अब सेठ ने सोचा भाई कि कोई ऐसी चोरी बिना कर रखी, और कर दे थोड़ा ढीला रस्सा, इतना ढीला कर दिया कि सेऊ ने सिर काट लिया द्वार से बाहर गली में। अब बाप था हाथ पाछे का पाछा रह गया, सरकटिया नहीं बेटे का, क्योंकि ममता बहुत बुरी हो है। तब सम्मन ने सेऊ ने कहा पिताजी, सम्मन सेऊ को नहीं पता था पिता के में हथियार ले रहा है, लेकिन वो अपने मन की धारणा बताई कि पिताजी बात बिगड़ गई, सेठ कह रहा है तुम नो करवाऊंगा, तुम चोरी करवाते थरे गुरु जी करवाने आते हैं, तुम भगत बन रहे थे, ये गुरु जी की बेइज्जती करेंगे और पिताजी मेरा सिर काट ले, तुम मेरा शीस काट ले, फिर ये सेठ डरता इस लाश ने भी बाहर फेंक देगा शेष शरीर ने। अब लड़के और कहा जब तू मेरा बाप है वास्तविक में तो आज मुझे प्रणाम मिल, मुझे पहचान हो जाएगी, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है। इतनी बात बेटे के मुंह तो सुन दे, करंट सा आया सम्मन में और उसने तुरंत लड़के का सिर काट लिया और वो लेके हाथ में वो पकड़ के वो सर और लपेट के एक बोरी में घर ले आया। घर ला करके अलमारी में रख दिया एक ताक में,
और नेकी तो बोला तू रोटी बना, नेकी बोली तू फिर उल्टा जा। वो लाला जी घर नहीं रखा उस लाश को, वो बाहर की तरफ पटका होगा दूर जंगल में, और पीछे पीछे जाकर वह लाश उठा ला, उस सर शरीर धड़ उठा ला बच्चे का, वो समन फेर गया। लाला जी तो चौड़े भीड़ी धरती होगी, बात बिगड़ गई तू मर गया। उसने पकड़या उसका गढ़ शरीर का कुर्ता और पकड़ के घसीट ले गया, उसने पजावे में गिरा। पजावा एक मैदानी भट्ठे होते थे पुराने समय में, ये कुम्हार लोग लगाया करते थे पजावा, ईंटें पकाते थे, मटके भी पकाते थे, उसमें ऐसे खंडर से होते उनमें पटका जाके। तो सम्मन ने देखा और उसने क्या किया, इतने दौरान में अपना जो सुराख बनाया था दीवार में वो वापस ईंट लाके और मिट्टी गारा थे लीप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया, पाड़ लग गया को नहीं, वो सुराख ना होया। लेकिन वो पैरों की जो लकीर थी, घिसट थी, निशान थे, वो दुर की दुर घिसरता हुआ जा रहा था। उनको देखते हुए देखता देखता सम्मन वहां पहुंच गया था, बेटे का धड़ पड़ा था, उसको उठा के कंधे लगा के घर लिया। उन आत्माओं लड़का मरिया पड़ा है, कटिया पड़ा है, अपने हाथ से काट रखा, माँ रोटी बना रही है। और न्यो बोला सम्मन नेकी बोली अगरो ये मत ना, जब गुरु जी ने पता लग गया ना रोटी नहीं खाओगे, ये नकल के भूखे खाना खा लेने दिए जो बात कराएंगे। अब परमा रोटी तैयार होगी और सम्मन ने वो तीन बर्तनों में डाल दिया, दोने होते मिट्टी के कसोरे का आकृत करते हमारे का ना कुमार के दया करते ब्याह शादिया में पहले। आजकल तो ये पत्तल चाल पड़ी दूसरे टाइप के बन गए, प्लास्टिक से के कप हो गए, पहले मिट्टी के हुआ करते कसोरे कप टाइप चौड़े चौड़े से बगैर डंडी के, तो उनको दोना बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो उन्होंने क्या किया, जो भी भात बनाई थी वो तीन दोने में डाल दी, तीन पात्रों में, तीन थाली समझ लो, तीन पत्तल थाली भी ना थी बेचारे गरीबा का, वो पत्तल सी थी, उन तीनों में डाल दी और प्रार्थना की गुरुदेव भोजन पाओ भंडारा तैयार है, आसन दे दिया। जब परमात्मा भी बैठ गए, दोनों सेवक बैठ गए, तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि भाई तुम भी आ जाओ और छह जगह कर लो, इसने सारे बैठ के खावांगे, तीन हम और तीन तम, और आज प्रेम से इकट्ठे बैठ के खाओगे बेटा आ जाओ। अब आगे धर्म संकट में यह बात बिगड़ेगी, गुरुजी को पता चलेगा, नाटा नूटी बतेरी करी पर नहीं माने। तो वो छह आमंड पांच आमंड डाल दी, पांच स्थान पर पांच विभाग कर दिए उस तीन जगह के खाने के। परमात्मा ने कबीर जी ने कहा नहीं भाई छह जगह करो। वो कहने लगे जी लड़का खेलन खेलन जा रहा है, देर तो होगा, कोई बात नहीं आ जाएगा जब आओगा, पर छह जगह करो। वो छह जगह करवा दिया, राजाओ बैठ जाओ। अब उन मुश्किल में आचरी भाई लड़के के बारे में और गहराई से ना पूछ ले, कभी रोटी ना खावे, कहीं ये आहार ना करें गुरुदेव। तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, बेटा चोर कटा शीश कटा करे चोरा के साधो के इन तक सेम। ओए होए होए, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां और नहीं गहरा गर्दन कहियो ओ सेऊ कना। बोलो सतगुरु जी, परमेश्वर कबीर जी के इतना कहते ही ता अलमारी में तो सर रखा था, नीचे बोरी में धड़ पड़ा था, छुपा रखा था, फटी पुरानी बोरी में डाल रखा था, वहां से निकलकर ऑटोमेटिकली उस धड़के ऊपर शीश अपने आप जुड़कर प्रभु कबीर जी की कृपा से, और वो लड़का उसी पंक्ति में आकर बैठ गया अपने माता पिता के पास, और माता पिता नू देखे गर्दन का इसका निशानी है, वो सेऊ है कोई और है यू कि निशानी भी कोई ना, और उठ के अंदर जाकर देख का यो मन बड़ा पापी विश्वास नहीं होने देता, वहां सब नहीं था, फिर यकीन भाई तो वो बालकर कि निशान भी कोई नहीं। जब दोनों चरणों में पड़ गए परमात्मा, हम तो तुच्छ बुद्धि जीव आपको परेशान बहुत कर दिया, अग नहीं बेटा
आज तक तुम्हारा भी पक्का विश्वास ना था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत लव लगता सा हूं भगवान, थारी भी फटकने के लगी। और ये दो तीन और आ रहे थे मेरी गेला, एक आधा भगत ने क्या करता मैं बगड़ी सेवा करता हूं, आशीर्वाद दे दिया बेटा, चिंता ना करे सम्मन, तेरा टोटा नहीं रहेगा। उसी जीवन में एक नंबर का सेठ दिल्ली का हो गया वो मनियार, उसी जीवन में मास्टर मालिक के आशीर्वाद से जहां भी हाथ ला उड़े सोने की डली पावे। ओए होए परमात्मा, ऐसे मालिक ने मौज मचा दी। लेकिन अब फिर बेशक से वो, अब यहां बिजली गिरती है काल, देखो कितनी कुर्बानी की सम्मन ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर भी मन से मन में यह धारणा फिट होगी कि परमात्मा मैं कितना नीच आदमी, मैं कितना पापी आदमी था, मैं मेरे पास धन नहीं था, इस कारण से मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया। क्योंकि बेटे को काटते दिया बाद में कई दिन तक, हालांकि जीवित भी कर दिया दाता ने, लेकिन वो घटना भूल नहीं सका। और उसका कारण दारिद्र ही मानता रहा, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरा दारिद्र नहीं रहेगा, टोटा नहीं रहेगा। फिर भी वो सेऊ नेक्की और सेऊ, वो माता और पुत्र वह तो हो गए पार उस जन्म में, लेकिन सम्मन के मन में यह बात बैठी रही, वो पार नहीं हो सका। फिर उसका जन्म कहाँ हुआ, एक नौ शेरवा नामक शहर में, और नौ शेरखा नाम का वो राजा बना। उसके पास बहुत धन था और इतना कंजूस चवन्नी दान नहीं करे, 70-80 गंज परमात्मा ने आशीर्वाद पिछले किए हुए पुण्यों के आधार पर उसको इतना धन दे दिया, 80 गंज 80 खजाने, एक खजाने में खरबों का वो होता है सोना चांदी लाल हीरे मोती, तो उसकी एक धजा टांग देते हैं ऊपर कि राजा एक खजाना है, एक गंज है। फिर उसके 80 धजा फहरा रही थी 80 खजानों की। परमात्मा गए उस नालायक के पास, तो फिर सर्प बनकर बैठ गया, माया जोड़े बैठा, दान करता नहीं, भक्ति करता नहीं, साधु जिंदा महात्मा का रूप बना कर परमेश्वर गए और कहा महाराज कुछ भक्ति करो, दान किया करो, धर्म तो दसके नी दसके तीनों लोक, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। अब वो राजा कहने लगा नौ शेर खान कहने लगा महाराज जी मैं तो बहुत गरीब राजा हूं, दान धर्म करने मेरे पास कुछ को ना। राजा परमात्मा बोले भाई ये तेरे 80 धजा फहरा रही है, तेरी 80 खजाने हैं तेरे पास, सुना है मैंने, अक जी मैंने तो दुनिया बका रखी है, इन मत कोले भर रखे मैंने। परमात्मा बोला भाई तेरी नीत में कोले हैं, ते कोले हो जाएंगे, दान नहीं करना चाहता तो कोयले ही हो जाएंगे, तथा स्तूनो कह के चल पड़े। अब राजा को डर लग गया कि रनो कह आकर भाई संत की वाणी पार हो जाया कर, देखते लो खुद गए, वो खुलवा के देखे तो सारे कोले हो गए, हीरे मोती जो आ रहा सोना नहीं रहा, दूसरा देखा तीसरा देखा चौथा हरे से हो गए, वो तो चक्कर आ गया उसने, मर गया भाई। सेना सैनिकों से को भेजा भाई मंत्रियो जाइयो महात्मा की से, उसने प्रार्थना करो और मुझे भी ले चलो वापिस लावांगे बुला के। अब परमात्मा ने जाना कहाँ था, वो जाके थोड़ी सी दूरी पे और बैठ गए वहां एक पीपल के नीचे। बस मंत्री गए महाराज जी माफ कर दो हमारे राजा से गलती होगी, मिला भाई राजा आवे जब बात बने। फिर बात वो गए दौड़े दौड़े जी आपको बुलावे महाराज जी, अकड़े चाल नंगे पैरों बाज लिया हो न, बोला भाई राजा से कहा परमात्मा ने ये तो कोले हो गए को ना हो ठीक ना जी दया कर दो गिरी। परमात्मा बोले इनमें कितना बांट देगा तुम, अब जो तुम कहोगे उतना दान कर दूंगा, अगर तू अपनी इसको ना अधिकतर दान कर दे, यानी 80% दान कर देना, एक राख लेना तो उसमें गणा करे थे। अच्छा जी अब परमात्मा ने कहा तू पहले नाम ले और सच्ची साधना कर बेटा। उपदेश दिया
और फिर दान के लिए प्रेरित किया, वो तो वचनबद्ध करके उसने वो 60-70 गांव थे 50-60 खजाने भंडारे करवा के बैठ, यानी दान कर दिए। अब जब दान कर दिया, यो मेरा बड़ा बदमाश है, कहते वो दान दून कर दिया, तो फिर उसके मन में आया, मैं अच्छा पागल हूँ, एक बाबा जी के कहने तो सारे दान कर दिया है, ये सारा धन रखता तो अच्छा नू करता है, घोड़े खरीदता, फलाना करता, अच्छे महल बनाता। इतना सोचते सोचते उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होगी, किया हुआ दान उसको फिर मिला, वो बलक इराक के अंदर एक बलक नाम का शहर है, उस बलक नाम के शहर में वही आत्मा सम्मन वाली फिर राजा बनी, और इतना धनी हो गया वो, 18 करोड़ तक उसके घोड़े, गांव में एक घोड़ा होता ना किसी के पास, क्योंकि पहले ये एम्बेसडर कार घोड़े थे, जिसके पास भी एक घोड़ा होता गांव में, चौधरी माना जाता, पैसे वाला भाई, उनका घोड़ा बन रहा है, एक घोड़े से और उसका 18 करोड़ घोड़े, बता शर फिर जाए इंसान का, जितनी माया हो जितनी बकवास, शर्म मारेगा 18 करोड़ घोड़े का की करे वो, पर चौधर दिखानी बकवाद करनी, क्योंकि संतों के बिना इस मन की वृत्ति चेंज नहीं हो सकती, संत पूर्ण संत बिना, और ये अच्छे काम करे नहीं सकता, और कई हजार ब्याह करवा लिए उस कर्महीन ने, यानी बदमाशी करते थे उसमें राजा लोग, कोई भी सुंदर लड़की दिखी उसे उठा लाए, कोई बोलनिया था कोई ना, ऐसे बकवादे किया करते थे। तो ये न्यारे कर्म फोड़ा, फिर शिकार खेलने जा, वहां जीव जंतुआ न मारा, ये नरे कर्म फोड़ा राजा बनकर टोटली, तो वहां भी परमात्मा ने जाकर उस प्यारी आत्मा को निकालना चाहा। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक दिन उस राजा के महल के छत पर पहुंच गए, एक रबहारी का रूप बनाकर, एक कारवान का रूप बनाकर, आपने देखे होंगे ये ऊंट चराने वाले राजस्थान साइड से इधर आया करें, गोड्डा तो इधर धोती हो सैन की, और लंबी लंबी जूती और लंबी लंबी नोक की पहरा करते पहले, और इतना बड़ा साफा सिरप है जो खंडका बांध गए, और राजा के निवास स्थान पे, राज दरबार पे नहीं, उस राज निवास स्थान पे जहां वो सोया था रात्रि में, उसकी छात पे ऊपर प्रगट होके और लाठी के लिए खोद मारे नो गड गड। अब राजा ने जब कहा रे क्या आवाज हो रही है, इसको पकड़ो, लाओ कमबख्त कौन है, पकड़ के नीचे। अब वो पहरेदार मंत्री सारे खकाट उठा गया, ऊपर तो लाए पकड़ के, कहने लगे राजा बोला रे कौन है तू, ऊपर क्या कर रहा था। परमात्मा बोले मैं ऊंटों वाला हूं भगत, मैं ऊंट चरा रहा था वहां दूरी पे, और मेरा एक ऊंट गुम हो गया, और ऊंट ढूंढता मैं तेरी छत पे ढूंढू था, कदे यहां ऊंट आ गया ऊपर छत पे, छत पे। राजा हाशा पे लाता है उसकी मूर्खता पे, भगवान आली पे हाशा ने बोला रहा बंदू, छत पे ऊंट कभी हो सकता है। परमात्मा ने कहा भाई जिस प्रकार छत पे ऊंट नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुझे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कारण क्या था, इससे पहले थोड़ा सा प्रसंग रह गया। राजा ने एक दिन सत्संग सुना था, राजा का इस इब्राहिम सुल्तान अधम का की प्रेरणा थी, पिछले जन्म था संस्कारी था, भक्ति की चाह थी, उसने संत मिल गया, वो संत था पाखंडी डोंगी को, बहुत सा दान किया उसने। एक दिन राजा ने एक बहुत अच्छी अंगूठी बनवाई जो लाखों रुपए की थी, एक अंगूठी हीरे पन्ने जुड़े इतनी मोटी चौड़ी छाप बनवा रखी, तो उस संत ने वो
एक नकली गुठी बनवा के वैसी ही, और वो राजा के धोखा करके वह गुठी बदल ली थी, वह फेंक दी थी जल में, और वह ओरिजिनल लगो दी थी। ये दिखाने के लिए एक दिन राजा को नौका बिहार पर ले गया वो संत जो नकली था, और वहां उसने उस अंगूठी को अड़पना था, नकली अंगूठी साथ ले रहा था जेब में। राजा से बोला जो बीच दरिया में जा लिया कि राजन ये अंगूठी कैसी है। राजा ने कहा ये 1,00,000 रुपए की तैयार हुई है महात्मा जी, दिखाना मुझे। उसने निकाल के दिखा दी। अच्छा, वो नाविक को कहता रहे ध्यान से चला कदे तू गेर कहीं भंवर बना ले जाना। राजा का ध्यान तन्योन हो गया, वह गुठी बदल के दूसरी हाथ में ले ली और वह ओरिजिनल गाल ली जेब में, और उसको कहता राजन हमारे ये किसी काम की नहीं, दरिया में फेंक दी। राजा ने सोचा भाई महात्मा के यू तो चाड़ा पड़ा है, इसके लिए तो सोना मिट्टी है, ये कुछ इच्छा ही नहीं रखता, और ज्यादा श्रद्धा होगी। कुछ दिनों के बाद पोल पाटगी, उन गुरु चेलिया की लड़ाई होगी, चेले ने वह सच्चाई बता दी, वह गुठी दबी दबाई पागी उस संत के आसन के नीचे मिट्टी में दाब रखी, वह पकड़वा दी। तब वो संत तक कैदमठ हो गया उसने, और भी कोई संत आसपास पावे था उसको सबको पकड़वा लिया, और उनसे प्रश्न करे कि बता भगवान कैसा होता है, कैसे मिलता है, मुझे मिला हुआ अभी तुरंत, नहीं तो चलो जेल के अंदर। वो 360 संत जेल में बंद कर दिए, और वो चाकी पीसे थे। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे ऊंट छत पर नहीं जा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे ही जिस प्रकार तू भगवान अल्लाह की तलाश कर रहा है तुझे कभी नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। संपूर्ण संत की खोज कर, जो तेरी कुरान शरीफ में लिखा हुआ सूरत फुरकानी 25 में 25 की आयत नंबर 52 से लेकर 59 में, यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब सामने तो आदमी एकदम ना दिखे, कलजा पैट जा, सहमते चक्कर खा के गिर गया। और वहां जो 360 वो संत बंद कर रखे थे भगत, ये संत नकली कौन बनते हैं? ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, ये चले थे भगवान पाने के लिए, भगवान का मार्ग किसी के पास मिला नहीं, ये फिर इसी ठगी ठगी करने लगे, शिष्य बनाने लगे, उन्हें भुका भुकू का अपना धंधा चलाने लग जाते। वो थी अच्छी आत्मा ही सारी, अब वो बिगाड़ रही थी कर्मों को। पहले तो उनका पीछा छुटवाया, क्यों तुम संत बने फिर होने कब में, थोड़ा तो पल्ला भी कुछ को ना, वो तो अंदर करवाए और फिर वहां बचाए मालिक ने जाके। तो आप वहां पहुंच गए उस जेल में, उस जेल में जाके उन सैनिकों से कहने लगे भाई सैनिकों बात सुन लो, मेरी भी सजा कर दी थारे राजा ने। और वो सैनिक वो सिपाही बोले आ जाते ले पकड़े एक चाकी तू भी पीस। वह चक्की पीसने की सजा दिया करते, पहले आटा पिसवाया करते, अब वह सेना का आटा बन जाएगा, इनकी खाल उतर जाएगी। अब परमात्मा बोले भाई नो नहीं, एक काम करांगे हम, कैदी चाहे तो आटा पिसवा लो, चक्की चलवा लो, और भाई चाहे ये इसके चक्की में कनक डलवा लो, एक काम हम करेंगे एक तुम करो, तुम पीसो पीसोगे, तुम चक्की चलाओगे तो हम कड़क डालेंगे, और यदि हम चक्की चलाएंगे तुम कड़क डालोगे सिपाहियों, हम सट्राई करते हैं। अब सिपाही ने सोचा ये तो बड़ा बकवादी आदमी है भाई, लाइन की फड़क काट देंगे। कहने के ठीक है तुम चक्की चलाओ और हम कड़क डालेंगे। उन्होंने सोची अच्छी अच्छी कड़क डालेंगे और सारा दिन पिसवाओगे, नहीं पीसेंगे तो इन्हें कूटेंगे। तब वो हो गए पोजिशन पकड़ गए कि हम चक्की वो डालेंगे आटा, तुम चक्की पीसो सारे। परमात्मा बोले सबको कि भाई तुम खड़े हो जाओ, जितने भी कैदी हैं जो चक्की पीसने के लिए तैयार बैठे थे, और एक चक्की का जो उनके हिस्से की थी परमात्मा के नंबर की थी उसके अपनी सोटी लगा दी, अब चल चक्की हो पीस दो इनका आटा। वो चक्की अपने आप चलने लगी, वो खुखाट ठारी 360 चक्की गगाठा जले बेटा पीस लो जितना पीसना है। अब वो किसे पीसे थे, वो तो दूर हट गए एकदम सारे सिपाही, और उन नकलियां तो बोला संतों से आंख बंद कर लो बस, वो तो मरोगे फिर अड़े, आंखें बंद करो, सब ने आंखें बंद की, खोलो
आंखें खोली तो जंगल में खड़े दूर। परमात्मा बोले भाग जाओ, इसकी सीमा से पार कर जाओ, ना तो मैं फेर बंद करेगा। वो बाज के जूती छोड़ छोड़ गए बाबा जी, सारे कित के कित गए। अब उधर से राजा के पास ये सूचना गई कि वो एक जादूगर आया था, सारी चक्की चला गया और सब कैदी निकाल ले गया। घर पे पता चला कि राजा के पास भी आया था वो, तो राजा अभी सचेत हुआ है, अचेत हो गया था। चक्की चलती देखने के लिए फिर भी वहां पहुंच गया कैद में। वहां देखा वो चक्की चल ही रही थी और राजा के पास के जाने के बाद वह फिर बंद होगी, इसलिए कि कहीं यो सैनिकों को सजा ना दे दे, सिपाहियों को झूठ बोलो थे तुमने जान के काटे हैं। अब उसके बाद परमात्मा कुछ दिनों के बाद एक राह चलते का रूप बना के, यात्री का रूप बना करके, यात्री रूप में शाम के 6-7 बजे गर्मियों में राजा के रेजिडेंशियल प्लेस, उसके जो जहां वो रहता था उसके रेजिडेंस में पहुंच गया। और वहां राजा सामने बैठा था बढ़िया कुर्सी आसन पर, सैनिक आसपास खड़े थे, सेवादार। परमात्मा जाकर बोले भाई ओ सराय वाले, धर्मशाला वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, मैंने रात काटनी है, सुबेरे चला जाऊंगा। बोल के कीमत लेगा इसे कमरे की। अब राजा उसके मुंह की तरफ देख रहा है, हंसा है कि बोला आदमी किता गया यात्री। वो कहने लगा कि ए बोले आदमी, राजा बोला के बोले यात्री, ये सरा नहीं है, ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, ये तो मैं राजा हूं, मेरा राजमहल है। परमात्मा बोले भाई तेरे से पहले इसमें कौन रहा करता, और उससे पहले कौन था वो? राजा बोला मेरे माता पिता रहते थे, और भाई उससे पहले मेरे दादे पड़दादे, और उनके माता पिता, फिर उनके वो कहाँ गए, ये कहाँ गए सभी, ये तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए, और तू कितने दिन रहेगा पौड़ी भूच इसमें। जब अपनी मृत्यु का नंबर आवा है ना, जब कड़वा धड़का आदमी का मैं भी मरूंगा, फिर यह सरा नहीं था तो उसने महल समझ रहा है, नो कहकर एकदम अंतर जान हो गए। अब कांप गया बैठा बैठा वो धर्मशाला वाला, कति कांपया मर गया, चक्कर खा गया और पड़ गया जमीन पे। अब वो उखड़ा उखड़ा रहने लग गया संसार तेरे, तेरा गजब हो यू के सांग भाई, कोई संसार में सभी ने मरना है, और कुछ वह पिछली भक्ति, फिर वह पिछली भक्ति भी तो अंगड़ाई लेती है। वो तो एकदम मायूस सा रहने लग गया। अब औरतों ने सोचा, उसकी राणियां ने, कि यू बाबा जी बनेगा, अरे भी यू काम बिगड़ेगा, यू राज छोड़ कर जाएगा। बहनों ने यह चिंता पहले हुआ करें, उन्होंने मंत्री बुलवाए, और मंत्रियों ने वो जंतर मंत्र करनी है बुलाए, जो भूत बात का डिनी है, जो पहले चक्कर खाया था पहली बार आए, जब इस हाथ का गंडा बंधवा दिया ताबीज, फिर दूसरे को बाजू का बंधवा दिया परमात्मा, फिर अंतर ध्यान हो गए। एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, राजा जो है दिन के समय और एक बाग में सोया करता था, कुछ देर विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहां एक बिस्तर बिछाया जाता था, बेड लगाया जाता था, उसके चारों तरफ सुगंधित फूलों के गुलदस्ते लगाए जाते थे, और वो ड्यूटी एक सेविका की लगाई जाती थी, नौकरानी की, जिसको बांदी बोलते थे उस समय। उनकी ड्रेस रानियों से अलग होती थी। एक दिन परमात्मा कबीर परमेश्वर ने एक बांदी रूप बनाया, नौकरानी की वेशभूषा पहनी, स्त्री रूप धारण किया, और राजा की वो बेड खूब अच्छी तरह बिछा के, चारों तरफ सुगंधित फूल सजा के, और स्वयं लेट गए उसके ऊपर स्त्री रूप में। अब राजा जब विश्राम के लिए, उसने देखा कि नौकरानी और मेरे बेड पे सो रही है, इसकी इतनी हिम्मत होगी, इतना दिमाग खराब हो गया, कौन है ये? उनके पास एक अंटर होया करते कोड़े, बहुत जबरदस्त घोड़े का, 2 कोड़े मार दे तगड़ा आदमी तो घोड़ा बैठ जाए, घोड़ा बहुत पावरफुल होता है।
ऐसे उसने गुस्से में आकर परमात्मा के 3 कोरड़े मारे कमर में, जैसे महाराज लेट टेढ़े लेटे हुए थे करवट के बल, उन पूरी पोजीशन दे रहे थे कि कर ले जो इसने करना है, परमात्मा के 3 कोरड़े मारे कमर में और 3 निशान नारे नारे हो गए, कपड़ा भी फट गया। तब परमात्मा खड़े हो गए, एक बार तो जरा से रोने का बहाना किया, फिर पेट पकड़ के हंसते हंसते लोट पोट हो गए। अब राजा देखा है भाई इतने कोड़े में आदमी हंस नहीं सकता, औरत का तो मतलब है कोई नहीं हंस ले, तो उसने बाजू पकड़ ली और खड़े कर लिए। कहने लगी बांदी तू हंसी क्यों, बने क्या क्या कारण तेरे हंसने का? तन्यो बोले परमात्मा बांदी रूप में कि भाई मैं तेरी इस सेज पे, तेरे इस बेड पे एक घड़ी सोई और एक घड़ी इस पे लेटन का दंड मुझे मिला 3 कोरडे, और बेटा तू सारी अणसो तेरे गेल की बनेगी, मैं नू आसू तेरा कितने कोरडे लगेंगे इसी गंदी सेज पे बेड पे तू रोज सोवे घंटिया। और न्यू कह के हाथ छुटा गया, अंतर ध्यान हो गया। 3 घंटे में मौसम आया वो आदमी उस दिन, 3 घंटे में वो तो रग दुख बात बिगड़ गई। अब रानियों को चिंता होगी ये तो बात बिगड़ेगी, राजकाज से कति मन हट गया, उदास रहने लग गया, मायूसी छाएगी। रानियों ने मंत्रियों से कहा कोई ऐसा कारण बनाओ इसका मन राजकाज में लगे, इसको जंगल में ले जाओ शिकार खिलाने के लिए। सब ने तैयारी कर ली, राजा भी बलोलिया चल पड़ा। अब जाकर राजा ने एक हफ्ते का वहां बना रखा था प्रोग्राम, राजा ने और सभी सैनिक और जो साथ में मंत्री गए थे अपने अपने घोड़े ले लिए शिकार खेलने के लिए, यानी जीव हिंसा करने के लिए, मृग मारने के लिए चल पड़े। 12 बज गए दिन के, कोई भी उनको पशु पक्षी नहीं मिला मारने के लिए। राजा अपनी जो है ना बेइज्जती समझता है, बगैर शिकार की वापस आ जाता। इतने में परमेश्वर ने एक लीला की, एक मृग बने खुद ही, और वो मृग आता दिखाई दिया सामने, हिरण। राजा ने कहा भी ये हिरण अपने हाथों से निकलना नहीं चाहिए, और जिसके हाथ से निकल गया उसी से ले लूंगा, उसको सजा दे दूंगा। अब वो परमात्मा उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया, राजा भी शर्मिंदा हो गया, उसने पीछे घोड़ा ला दिया, बाकी पीछे रह गए। उसने पीछे घोड़ा दौड़ा दिया बहुत दूर जाकर के, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वो अंतर ध्यान हो गया। अब घोड़ा भी प्यासा मरे और राजा के भी जाग आ गए, भूखा भी प्यासा भी, और यदि 10 मिनट उनको आहार और जल नहीं मिलता तो दोनों मर जाते, ऐसी स्थिति आ गई। तब आपत्ति में याद कर रहे हैं, या अल्लाह हे भगवान, अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर, हे बड़े भगवान मेरी रक्षा करो। और बड़ा भगवान उसका गिल गिल अंडर, वो बड़े भगवान ने ढूंढे, कबीर भगवान ने, अल्लाह कबीर ने। अब कहीं कहीं घोड़े के पैर टके, राजा को चक्कराने को हो गया भूख और प्यास से, आसपास कहीं जल के नाम नहीं। थोड़ी सी दूरी पर आए थे, आगे मालिक ने के रचना रच रखी, एक सुंदर तालाब बना रखा अपनी सिद्धि शक्ति तो, सतलोक तो लिया रखे सारे साधु बाद, और सुंदर बगीची जिसमें फल फ्रूट खूब अच्छे लगे हुए, और एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर एक झोपड़ी डाल के आप बैठ गए। उसमें 3 कुत्ते, जो बुढ़िया वाले कुत्ते होते हैं, जैसे एलिसेशन को लागरंगी नहीं, इस तरह के बुढ़िया, वो 3 कुत्ते बेलों का बांध रखे, चैन लोहे की बेल हो जाकर उन बांध रखे न्यारे न्यारे, और आप बैठे वहां, और काजू किशमिश का हलवा बना रखा कड़ा, और वो डाल रखा उन कुत्तों के साथ में, ऐसे साथ साथ 3 प्लेटा में डाल रखा, और जो ही कुत्ते खाना चाहे परमात्मा उनका बेल मारे, उन खान नहीं देर, वो ट्या 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 करें, ऐसे वो लीला कर रहे थे। पहले तो पानी पिया, घोड़े को पिया उसने पानी, राजा ने आप पिया,
फिर कुछ फल फ्रूट खाए, फिर देखा बाबा जी बैठा है, महाराज बैठे हैं, वहां गया उस सलाम वालेकम करया तो कहन लगे अब पेट भर गया, जान बच की बकवा दबाएगी। कहन लगा बाबा जी इन तीन कुत्ते का तू क्या करेगा, इनमें से दो मुझे दे दे। परमात्मा बोले भाई ये नो ना दिया करता मैं, ये कुत्ते ऐसे वैसे नहीं है, ये VIP डॉग है। वो बोला VIP क्यों करे, कि ये जो राजा है ना बलख शहर का, इसका यो तो दादा है, यो पिता है, यो दादा यो परदादा। और ये राजा थियाड़ा में इनके पास जाता था, बेटा भक्ति कर लो, ये मानने को नहीं है, अभी न काजू किसमिस के हलवा दिखाओ, खा के दिखाओ डांगरो, इवन खान नहीं देता मैं, ये ऐसे मारता हूं उनको। और यह खाली बेल है ना, यह खाली बेल, एक और खाली बेल रखी थी कुत्ते बांधने की। कहने लगे जो ये बलख बुखारे का राजा है ना, वो कुत्ता बनेगा, उसने इसको बांध के यहाँ पीटा करूंगा। अब उसका कलजा पाट गया, किसी कुत्ते ले था, चरणा में गिर गया, तो वो दिखे है जो तीन बार मिल लिया, चरणा में गिर गया, पैर पकड़ लिए, माफी कर दो मैं पापी हूं, अक्षमा कर दो। घड़ी देर रोता रहा, घंटा आध घंटे चक्कर आ गया, फिर होश में आया, देखा वहां ना कोई कुत्ता है, ना संत है, ना कोई बाग बगीचा, ना पानी है, कलर में पड़ा कती रेत में सूखे में, और पेट भर रहा घोड़े के पैर गिले, सोपन भी नहीं कह सकता, वापस आ गया। फिर घर छोड़ के, ये लंबी कथा है जहां समापन करता हूं, तो परमात्मा आगे जाकर उस प्यारी आत्मा को मिले और कहा बेटा तो मेरी आत्मा था तेरे लिए, मन ये सारे खाड़े करने पड़े इस नरक से निकालने के लिए। इस प्रकार वो परमात्मा कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरु देव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।